नमस्कार, मैं हूं राहुल झा। स्वागत है आप सभी का एक नए बिजनेस और उसके स्टार्टअप आइडिया से। आज इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं रोस्टेड मखाना मेकिंग बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं मखाना के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मखाने का अगर इस्तेमाल कहीं होता है या कहीं अगर इसके उत्पाद की अगर बात कहीं करें तो सिर्फ बिहार में होता है, हमारे देश में होता है। तो जहां पर इतनी ज़्यादा मात्रा में इसकी उपज होती है वहां कहीं ना कहीं इसके बिज़नेस को शुरू करना आसान हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और वहीं इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे बल्कि देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। चलिए आज इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह से आप इस शानदार बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। भारत में सूखे मेवे के रूप में हर घर में इस्तेमाल किए जाने वाला मखाना फॉक्सनट या कमल का बीज भी कहलाया जाता है। त्योहारों और धार्मिक पर्वों पर इसे उपवास के समय भी खाया जाता है। कई प्रकार के पोषक तत्वों में भरपूर मखाना नमकीन, स्नैक्स, मिठाई, खीर और सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, आयरन आदि मिनरल्स के गुणों से युक्त मखाना स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही इसके अनगिनत फायदे भी होते हैं। मखाना मधुमेह और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसमें हृदय संबंधी रोग का खतरा भी कम हो जाता है। अन्य तत्वों के साथ साथ ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। इसके अतिरिक्त मखाना अनिद्रा और एंटी एजिंग में भी सहायता करता है, इसलिए आज न केवल देश बल्कि विदेशों में भी ये काफी ज्यादा चर्चित हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि इनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब इन तथ्यों से अगर अनुमान लगाया जाए तो इसका व्यवसाय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है, जिसमें हम इस व्यवसाय से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम आपको अवगत कराते हैं इस बिजनेस में रोस्टर्ड मखाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों से, जिसमें आपको जरूरत होगी रोटरी अवन, सीजनिंग टम्बलर, स्लरी केटल, बैच कोडिंग मशीन, पाउच पैकेजिंग मशीन, कन्वेयर और अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसको बनाने के प्रोसेस पर। किसी भी बिजनेस की शुरुआत तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमने प्रोसेस अच्छे से नहीं किया तो हम बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते, उसे सस्टेन नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्वालिटी, और किसी की क्वालिटी अगर हमें पता करनी है तो आपके रॉ मटेरियल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इन मखानों की। देखिए, ये रॉ मटेरियल हैं, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल हैं और ये ज़्यादातर बिहार से लाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी उपज जो है वो बिहार में ही होती है। अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर सारे मखाने रखे गए हैं। अब इनमें क्वालिटी वाइज या फिर ग्रेड वाइज या फिर हम कहें साइज वाइज इन्हें अलग अलग सॉर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सॉर्ट करने के बाद इस तरह के ट्रेज होते हैं, इन ट्रेज में आप इनको ऐसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये ट्रे वैन है, इसके अंदर आप सारे ट्रेज को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद जब आप देखेंगे कि इस तरह से पूरी तरह फिल हो जाएगा, तो फिल करने के बाद इन्हें इस अवन में रखा जाएगा। अवन की अगर बात करते हैं तो ये फुली ऑटोमेटिक अवन है और इस अवन में करीबन 135 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इन मखानों को जो है वो रोस्ट किया जाता है। और जब ये रोस्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, चलिए आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया था कि अवन के अंदर हमने 135 डिग्री सेल्सियस पर मखानों को रोस्ट किया है। अब रोस्ट करने के बाद अब बारी है उनके ऊपर सीजनिंग करने की। सीजनिंग के लिए इस टम्बलर का इस्तेमाल होता है। आप सभी रोस्ट किए हुए मखानों को इसके अंदर फीड करेंगे। फीड करने के बाद आप बात करें ऑयल और सीजनिंग, यानी बहुत तरह के मसाले जो ज़रूरी मसाले हैं उसमें टेस्ट को निखारने के लिए, उभारने के लिए, वो सब आप मिक्स करेंगे। स्टिर करने के बाद जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद आप इनके ऊपर यानी अंदर जो आपके मखाने होते हैं उस पर आप उन ऑयल्स को और सीजनिंग को छिड़काव करेंगे। छिड़काव के बाद थोड़े से यानी 10 से 15 मिनट तक इसको आप घुमाएंगे यानी मिक्स करेंगे। 15 मिनट की मिक्सिंग के बाद आपके जो मखाने हैं, रोस्टेड मखाने बेसिकली अगर कहूँ, तो वो तैयार हैं। आप इसे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में लेकर जाइए और पैकेजिंग मशीन की मदद से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, सो ऑन पैक कर सकते हैं और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सकते हैं, वो भी अपने नाम और अपने प्राइस के साथ।
अगर बात करें पैकेजिंग की, तो इसके लिए अगर आप इनिशियल स्टेज पर शुरुआत करते हैं तो आप मैन्युअली पैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटी सी सीलिंग मशीन की ज़रूरत होगी जो 5 से 8 हज़ार रुपये तक आ जाएगी। और अगर आप अच्छे लेवल पर यानी ऑटोमेटिकली अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं तो आपको एक अच्छी पैकेजिंग मशीन की जरूरत होगी। रोस्टेड मखाना के इस व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों द्वारा आपको लगभग 25 किलो वॉट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी और स्मॉल स्केल पर बिजनेस के लिए 15 से 18 किलो वॉट इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए होगा। वहीं अगर बात करें मैन पावर की, तो आपको कम से कम 10 से 15 वर्कर्स की जरूरत होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, टेक्नीशियन और अन्य वर्कर भी शामिल है। वहीं स्मॉल स्केल पर बिजनेस के लिए 7 से 10 वर्कर्स चाहिए होंगे और साथ ही साथ इस बिजनेस प्लांट को स्थापित करने के लिए आपको 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी 1800 स्क्वायर फीट, इन्वेंटरी 800 स्क्वायर फीट, एडमिनिस्ट्रेटिव 400 स्क्वायर फीट और आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपको इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी जानकारी देते हैं, जो कि हर व्यवसाय का एक अहम हिस्सा होता है। रोस्टेड मखाना बिजनेस के लिए आपको 18 से 22 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और स्मॉल स्केल के लिए 10 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। जैसे हर व्यवसाय में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक वैसे ही आपको इस बिजनेस में लाइसेंसेस के तौर पर GST, FSSAI और उद्यम की जरूरत होगी। और इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी व्यवसाय आपको उद्यमी नहीं बनाता, बल्कि एक बेहतर उद्यमी एक व्यवसाय को बनाता है और बेहतर उद्यमी द्वारा स्थापित किया हुआ व्यवसाय पूरे देश को प्रगति की राह देता है। इसलिए हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको न केवल व्यवसाय से जुड़ी जानकारी दें, बल्कि एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की रोस्टेड मखाना पर बेस्ड यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। किसी भी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए उसकी पैकेजिंग बहुत अहम होती है, क्योंकि मार्केट में जितना अट्रैक्टिव आपका पैकेजिंग होगा, उतना ही प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच पाएंगे। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज आपको बताया कि किस तरह से आप इन रोस्टेड मखाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये सारी जानकारी मैं आशा करता हूँ जो दी गई है आप उससे संतुष्ट होंगे और आप अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के मिशन में अपना भी योगदान देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के साथ, एक नए इंडस्ट्रियल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।